राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसएस से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट अवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहला आज का तीसरा सवाल, ठीक है? तो ये भी अगर आपने हमारा एरे वाला प्लेलिस्ट फॉलो किया है तो ये तो बहुत ही आसान से बन जाएगा। और उसके बाद से भी हमने ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार किए हैं, तो अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है और इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करते हैं, फिर उसे डिड्यूस करेंगे अपन, ठीक है? तो यहाँ पर आपको एक एरे दिया हुआ होगा कैंडिस बोल के, जिसमें आपको क्या होगा कि हर एक कैंडिस ऑफ आई, जो भी एक एरे का आईथ एलिमेंट होगा, वो डिनोट करेगा कि आईथ टाइप का कैंडी, ठीक है, आपके पास कितना है। और आपका एक पाइल जो कैंडी है, जैसे एक पाइल में आपके पास मान लीजिए कि 50 कैंडी है, तो आप उसको कितने भी सब पाइल में डिवाइड कर सकते हो। उसको 1-1 के 50 सब पाइल में डिवाइड कर सकते हो, 2-2 के 25 सब पाइल में डिवाइड कर सकते हो, जैसे इस तरीके से। अगर आपके पास 50 साइज का, मतलब 50 कैंडीज का एक पाइल है, ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो 25 25 के दो सब पाइल में, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर सकते हो 2 के 25 सब पाइल में, 1 के 50 सब पाइल में, तो इस तरीके से आप कितने भी सब पाइल में इसको डिवाइड कर सकते हो। बस आप जो नहीं कर सकते हो वो ये नहीं कर सकते कि इसमें मान लीजिए आपने 45 यूज कर दिया और 5 जो था इस टाइप का कैंडी को अगले टाइप के कैंडी से आप मिक्स कर दोगे, ठीक है, तो ये इंटरमिक्सिंग आप नहीं कर सकते। ये एक चीज है जो यहाँ पर इसे समझ में आनी चाहिए। दूसरा चीज आपको क्या है कि ये आपके पास कैंडीज का पाइल दिया हुआ है, आपको क्या करना है कि आपके पास एक के इंटीजर दिया रहेगा, दैट डिनोट्स कि नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं आपके पास, ठीक है। आपको उनके बच्चों को, ये जो कैंडीज है आपके पास अलग अलग पाइल के, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट कि हर एक बच्चे को इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज मिलना चाहिए। और इस चीज का आपको चिंता नहीं करना है कि किसी बच्चे को कैंडीज मिल रहा है, बस आपको मिल रहा है तो बराबर मिले, और अगर नहीं मिल रहा है तो किसी को कुछ नहीं मिले, और इस बीच में अगर कैंडीज अनयूज चल जा रहे हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर अगर आप देखो तो आंसर 5 दिया हुआ, ठीक है, इसका मतलब कि आपने 1 से 5, दूसरे से 5, तीसरे से 5 दिया, तो इधर से 3 कैंडी बर्बाद हो, इधर से 1 कैंडी बर्बाद हो, तो टोटल आपने 4 कैंडी बर्बाद कर दी, मतलब ऐसे कि आपने यूज नहीं किए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको एक इधर दे दो, एक इधर दे दो और एक इसी के पास रख दो, ठीक है, जो बीच वाला स्टूडेंट है उसके पास दे दो, तो इस तरीके से आप इंटरमिक्सिंग नहीं कर सकते। बस यही जो है उसको अलग से एक्सप्लिसिटली इन्होंने बताया, ठीक है। तो एक बार मैं आपसे बात पूछता हूँ, आप उसको बहुत आराम से बताना, और इस सवाल के जो जवाब मैं पूछूंगा अगर आप देते जाओगे तो आप देखना कि आपसे ये क्वेश्चन पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा, खुद से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। के बच्चों को मिनिमम कितना कैंडीज मिल सकता है, ठीक है, 0, इसमें आई होप कि आपको डाउट नहीं होगा कि कितना मिनिमम मिल सकता है। वेल, कुछ मिले ही ना, उससे मिनिमम तो नहीं हो सकता है, नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, ठीक है, दिस विल बी द मिनिमम। मैक्सिमम कितना कैंडीज मिल सकता है, वेल, मैक्सिमम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काउंट करना पड़ेगा कि आपके पास कितने कैंडीज हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपका टोटल कितने कैंडीज हैं, 13 + 6 = 19 कैंडीज है आपके पास, ठीक है। तो क्या होता है कि 19 जो होते, अगर सेम टाइप के कैंडीज होते तो मैं इसको 3 इक्वल सब पाइल में डिवाइड कर देता, ठीक है, तो हर एक बच्चे को 6 6 कैंडी मिल रहा होता, 6 6 6, एक कैंडी अभी भी बर्बाद हो जा रहा है और उसका कोई दिक्कत नहीं। अगर बेस्ट केस होता कि 19 का 19 एक ही सब पाइल में होता, ठीक है, एक ही पाइल में होता, तो हम क्या करते, उसको 3 3 3 3 6 6 6 के सब पाइल में डिवाइड करते और तीनों को बांट देते, तो बेस्ट आपको क्या मिल सकता है, 6। और बेस्ट को अगर हम यहाँ पर से ध्यान से देखें तो ये क्या है कि सम ऑफ टोटल कैंडीज बाय सम ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, मतलब आपके पास कितने स्टूडेंट हैं उसको आपको डिवाइड करना है, कितने कैंडीज हैं उससे, ठीक है, उसमें। तो यहाँ पर मैक्सिमम आपका आंसर क्या आ सकता है, मैक्सिमम आपका आंसर आ सकता है 6, और मिनिमम आंसर आपका क्या आ सकता है, 0, ठीक है। आपको क्या पता चल गया, आपको पता चल गया आपके आंसर का रेंज। अब आप एक चीज तो बहुत ही आराम से और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि आपका जो आंसर होगा वो होगा इसी रेंज में, 0 से लेके 6 के रेंज में, बोथ इंक्लूसिव, कोई भी हो सकता है, पर हाँ 0 से लेके 6 के बीच में ही होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 0 से 6 का जो रेंज है वो सॉर्टेड है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से नंबर है, आपका जो आंसर है इसी रेंज में होगा। अब आप इस रेंज से आंसर कैसे निकालोगे, फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, हम लीनियरली चल सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि एक बार में हर बच्चे को एक कैंडी दें, क्या ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है,
एक टाइम में हर एक बच्चे को 2 कैंडी दे, क्या ये पॉसिबल है? कॉम्बिनेशन 3 कैंडी दे, क्या ये पॉसिबल है? 4 कैंडी दे, पॉसिबल अगेन 5, पॉसिबल 6, पॉसिबल, इस तरीके से अलग अलग जाएंगे, तो जो लास्ट पॉसिबल होगा दैट विल बी आर आंसर, और अगर कोई भी पॉसिबल नहीं होगा तो 0 विल बी आर आंसर। ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लीनियरली चल सकते हैं। पर इस लीनियर सर्च को, जो हम लीनियरली एक के बाद एक आगे बढ़ रहे हैं, उसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, उसके जगह पे हम कर सकते हैं बाइनरी सर्च। जी हाँ, हम क्या करेंगे, मिड पे जाएंगे और उधर सर्च करेंगे। हम कोशिश करेंगे, क्या हम हर बच्चे को 3 3 कैंडी दे सकते हैं? ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से 3 3 के ऐसे कितने हम सब पाइल निकाल सकते हैं, यहाँ से हम 3 3 का 1 सब पाइल निकाल सकते हैं, यहाँ से हम 3 3 के 2 सब पाइल निकाल सकते हैं, इधर से हम 3 3 के 2 सब पाइल निकाल सकते हैं, तो टोटल हमारे पास 5 सब पाइल बन गए। 5 सब पाइल को हम 3 में 3 बच्चों में बांट सकते हैं क्या? इधर से हम 1 निकाल देंगे, इस दो टाइप के, 2 3 3 साइज के निकल रहे हैं, तो दूसरे और तीसरे बच्चे को हम इसी इधर से ही दे देंगे, या फिर इधर से एक दूसरे, मतलब अगेन देने के लिए कोई चॉइसेस नहीं है आपके पास, बस आपको पूरा होना चाहिए, जितने बच्चे हैं उनको इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज मिलना चाहिए अगेन। ठीक है, बस यही आपका लिमिटेशन है। तो यहाँ से आपने 1 3 साइज का कैंडी इसको दे दिया एक बच्चे को, अगले को इधर से एक दे दिया, अगले को इधर से एक दे दिया, पॉसिबल है, तो आप बोल सकते हो कि आप 3 साइज का तो मतलब सप्पाइल दे ही सकते हो हर एक बच्चे को। ठीक है, अब आप क्या कोशिश करोगे, अब आप कोशिश करोगे कि क्या मैं 3 से ज्यादा दे सकता हूँ। वेल, अगर आप 3 दे पा रहे हो तो एक सर्च स्पेस तो आपका इधर ही कम गया ना, कि 0 1 2 इधर आपको खोजने का जरूरत नहीं है, आपको मैक्सिमम कैंडी डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप हमेशा ज्यादा करने की कोशिश करोगे। जब आप 3 कर पा रहे हो तो 2 1 अगेन आप दे ही सकते हो, तो आप क्या कोशिश करोगे, आप इससे ज्यादा देने की कोशिश करोगे, तो 3 है आपका अभी, 3 दे पा रहे हो, टोटल आप एट मैक्स कितना दे सकते हो, 6 दे सकते हो। अगेन आप मिड निकालोगे यहाँ पर से, तो क्या निकल के आएगा, 6 + 3/2 इट विल बी 9/2, और 9/2 क्या हो जाएगा, 4, तो आप 4 देने की कोशिश करोगे, तो 4 साइज के कितने सब पाइल इधर से निकल सकते हैं, एक बार इधर से वो देख लेते हैं, 4 साइज के कितने सब पाइल निकलेंगे, 4 साइज के इधर से मैं अगर निकालना चाहूँ तो 1 सब पाइल निकलेगा, इधर से अगर मैं निकालना चाहूँ तो 2 सब पाइल निकलेगा, इधर से अगर मैं निकालना चाहूँ तो 1 सब पाइल निकलेगा। ठीक है, तो अगेन मेरे पास 4 सब पाइल हो रहे हैं, क्या 4 सब पाइल को मैं 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ? अगेन बहुत सारे अलग अलग वेज हो सकते हैं, 4C3 वेज हो सकते हैं, 4 अलग अलग तरीके, तो अगेन ये सब का मतलब नहीं है, बस आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो आप एटमिन अब क्या कर सकते हो, हर एक बच्चे को 4 कैंडी दे सकते हो। ठीक है, तो अब आपका आंसर हो गया 4। ठीक है, अगेन अब आपको पीछे नहीं मुड़ के देखना है, क्योंकि अगर आप 4 बच्चों को दे पा रहे हो 4 4 साइज की कैंडी, तो 3 और प्रीवियस वाले तो दे ही सकते हो, फिर आप आगे बढ़ोगे, 4 + 6/2 5, क्या 5 साइज के कैंडी दे सकते हो, मतलब 5 5 कैंडी सब बच्चे को दे सकते हो, तो 5 साइज का कितना सब यहाँ पर बनेगा पाइल, सब पाइल, हर एक कैंडी, हर एक टाइप के कैंडी से एक बार वो देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखो इधर से 5 साइज का कितना सब पाइल निकलेगा, 1, इधर से 1, इधर से 1, तो आपके पास 3 सब पाइल बने, 3 बच्चे हैं, बांट सकते हो, यस, तो यहाँ पर अगेन आपका आंसर हो जाएगा 5 फॉर नाउ। और अब आप आगे बढ़ोगे कि क्या 5 से भी ज्यादा मैं एक एक बच्चे को दे सकता हूँ, तो 5 से ज्यादा क्या हो जाएगा, 6 + 6/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, तो अब यहाँ से देखना है कि 6 साइज का कितना सब पाइल आप निकाल सकते हो, इधर से 1 भी नहीं निकाल सकते, 8 वाले से 1 निकाल सकते हो और 6 वाले से 1 निकाल सकते हो, तो टोटल आपके पास 2 सब पाइल ही हुए, आपके पास बच्चे थे 3, क्या आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, तो लास्ट अपडेटेड आपका आंसर क्या रहा, 5, यू हैव टू रिटर्न इट। और दूसरा जो एग्जांपल दिया हुआ है, अगेन वहां पर 0 हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा, आप एक बार देख भी ले, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपके पास टोटल 7 कैंडीज है और आपके पास बच्चे हैं 11, तो आप 11 बच्चे में 7 कैंडीज कैसे डिवाइड करोगे, इट इज मतलब नॉट पॉसिबल, आपको फ्रैक्शन वगैरह में आपको देना अलाउड ही नहीं, तो वी कांट डू दिस, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा 0 रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पर जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर हमें एक रेंज निकल गया है कि हम मिनिमम और मैक्सिमम कितने डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कैंडी, और उसके बाद जो ये आंसर का रेंज निकल के आया है उसमें हमने लगा दिया बाइनरी सर्च। ठीक है, अब बाइनरी सर्च जब हमने लगा दिया है तो हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन का हो जाएगा सर्चिंग का, अदरवाइज वो जो सर्चिंग था वो ऑर्डर ऑफ एन का होता हर बार, तो बस यही। अब इसको किस तरीके से कोड में इम्प्लीमेंट करना है एक बार ये देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लोअर और अपर लिमिट सेट किया कि मिनिमम कितने कैंडीज मिल सकते हैं और मैक्सिमम कितने कैंडीज मिल सकते हैं। ठीक है, लो में 0, मिनिमम 0 मिल सकता है और मैक्सिमम क्या है, सम बाई के,
सम बाई के, सम मतलब टोटल कितने कैंडीज है और जितने कैंडीज है उसको अगर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाता तो कितने हर एक बच्चे को कैंडी मिलता, दैट विल बी सम बाई के अपर रेंज। और यहाँ पर ये आर प्लस प्लस मैंने किया है, आप नहीं भी कर सकते हो, अगेन ये लिखने का तरीका होता है। और आई होप कि मैंने अभी तक एक तो एरे वाले प्लेलिस्ट में दो करवाए हैं और उसके बाद से भी मैंने लीड कोड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं, तो वहाँ पर मैंने हर एक स्टाइल जो हो सकता है लिखने का बाइनरी सर्च वो मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो, चैनल को अगर आप रेगुलरली फॉलो नहीं करते तो कर लो, क्योंकि ये तो बहुत बार फॉलो हो चुका है। फिर भी अगर कोई डाउट है कि क्यों हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, आई विल अगेन टेल यू। तो बट अगेन प्रेफरेबल यही हो कि आप चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। इस तरीके के क्वेश्चन इतने बार आते हैं ना कि मतलब अब हर बार उतने सेम इंथुजियाज्म के साथ आदमी बता नहीं सकता, तो इधर क्या हो जाएगा, मैं स्टोर करूंगा कि आंसर मेरा पॉसिबल आंसर क्या है, फिर मैं क्या करूंगा डिवाइड करके, जैसे कि उधर हमने देखा 0 मिनिमम पॉसिबल था, 6 मैक्सिमम पॉसिबल था, तो मैं क्या करूंगा मिड पे जाके कोशिश करूंगा निकालने का। अगर मान लो मुझे नहीं मिल पाता 3 में, सब मैं डिवाइड नहीं कर पाता, तो मैं कोशिश करता कि 3 से कम बीच पे जाके 0 + 3/2 1 कैंडी सबको देने की कोशिश करता, ठीक है। तो इस तरीके से चीज चलता मेरा। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा मिड अमाउंट ऑफ कैंडीज हर एक बच्चे को मेरे, ये कोशिश करूंगा। अगर मिड कहीं पर भी 0 हो गया, मतलब कि आपको हर एक बच्चे को 0 कैंडी देना है, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा रिटर्न 0 कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि किसी हर बच्चे को आप कैंडी दे पाओ, तो यहाँ पर से आप 0 रिटर्न कर सकते हो। दूसरा आपको क्या करना है, आपको काउंट करना है कि कितने आप सब पाइल बना पा रहे हो, अलग अलग जो कैंडीज के पाइल दिए हुए हैं उसमें से आप कितने सब पाइल बना पा रहे हो, आपको काउंट करते चलना है। एक्स बाई मिड, अगेन यहाँ पर भी एक रीज़न है कि बाय मिड मुझे करना है, तो मिड अगर यहाँ पर 0 हो जाता तो मैं बाय मिड करता तो मेरा एरर आ जाता, ठीक है। तो इसको भी मैनेज करने के लिए मैंने इधर इधर लिख दिया, ठीक है। तो आपको काउंट कर लेना कि आप कितने सब पाइल बना पा रहे हो, अगर आप जो सब पाइल बना पा रहे हो दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो आपको क्या करना है, आंसर आपको अपडेट कर देना है मिड और आंसर में जो भी बड़ा है उसमें। और आपको क्या करना है, आपका जो लोअर लिमिट था उसको मिड प्लस 1 कर देना है, और एल्स क्या हो गया कि आपका जो वैल्यू था मिड, ठीक है, आप उतने ही कैंडीज नहीं बना पा रहे हो, तो आपको मिड को जो आपका अपर लिमिट था जो आप कोशिश करने वाले थे कि 6 कैंडीज बन सकते हैं कि नहीं, वो कोशिश करने वाले थे, उसको अब आपको रिड्यूस करना पड़ेगा रेंज को। आप 0 से 3 के बीच में आप कोशिश करोगे कि क्या मैं इतने इन तीन 0 से लेके 3 के बीच में कितने भी कैंडीज को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ या नहीं, ठीक है। तो ये कोशिश होगा आपका, बस यही हो गया अप्रोच। और जो भी आपका फाइनल आंसर होगा वो आपके आंसर वेरिएबल में स्टोर होगा, आप उधर से रिटर्न कर सकते हो और दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं या फिर जुड़ सकते हैं आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से, लिंक फॉर देम इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और वेट अ मिनट, एक बहुत ही अच्छा चैलेंज चल रहा है, 50 डेज न्यूबी टू एक्सपर्ट चैलेंज, जहाँ पर हम न्यूबी से लेके एक्सपर्ट बनने तक का हर एक कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा रोड मैप टाइप का बना रहे हैं। तो अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप अपने जर्नी को अच्छा शेप देना चाहते हैं या फिर आपने शेप दे दिया है, आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे उस चैलेंज से। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।